सुनवानी कला में सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय थाना प्रभारी ने विद्यालय परिसर में स्कूली छात्र छात्राओं के साथ प्राचार्य और समस्त विद्यालय परिसर बैठक में महिला सम्मान के लिए बने कानून की जानकारी दी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि किसी बच्ची या महिला के साथ राह चलते कोई उन्हें छेड़ रहा है या बुरी नीयत से उन्हें देख रहा है तो वह तीरंदाजी नहीं एक अपराध है। जो महिला उसके खिलाफ थाना परिसर में पहुँच शिकायत दर्ज करा सकती है और उस व्यक्ति के खिलाफ अपराध दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं सुनवानी थाना प्रभारी श्री कृष्णा मावई ने बताया कि इस बैठक का उद्देश्य है कि महिलाओं को सशक्त बनाना है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को महिला या बच्ची मन में दबाकर अंदर ही अंदर ना घुटे व खुलकर थाना परिसर पहुँच मन चलो के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सके। पन्ना से चरणजीत बंजारा की रिपोर्ट। हम शपथ लेते हैं कि हम अपने आसपास ऐसा वातावरण बनाएंगे जिसमें नारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे तथा उन्हें समान अवसर प्राप्त हो। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। ये हमारी कार्यकर्ता आई है। ये कार्यक्रम है जो महिला सम्मान के संबंध में है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हम गांव-गांव में और जाके और अपने क्षेत्र में जितना भी महिला है और जितने भी नवयुवक हैं उनको इस संबंध में जानकारी देना है कि जो आप छोटे छोटे जो अपराध किए जाते हैं जिनके संबंध में ना तो महिलाओं को जानकारी रहती है ना ही लड़कों को जानकारी रहती है। आजकल का माहौल जिस तरह से बदलता जा रहा है, उस बदलते माहौल में महिलाओं को सम्मान कैसे दिलाया जाए, उसके लिए ये सरकार के द्वारा एक नया कदम उठाया गया है जिसका उद्देश्य महिलाओं को जागरूक करना और साथ ही सिर्फ महिलाओं को नहीं साथ ही पुरुषों को भी संबंध में जागरूक करना कि अगर इस तरह का अपराध कोई अश्लील बात बोल रहा है या फिर आपको बार बार देख रहा है या नंबर मांग रहा है तो आपको इस तरह की जो घटनाएं होती है छोटी छोटी उसको छुपाना नहीं है। इसमें आपकी कोई गलती तो है नहीं, है ना, कि कोई गलती आपकी तो है नहीं कि वो आज बार बार आपको परेशान कर रहा है, लड़की हो इसलिए आपको परेशान कर रहा है, तो सबके साथ होता है। ये सामान्य बात नहीं है, ये कोई सामान्य बात नहीं है और ये छोटी भी बात नहीं है। ये तो छोटी बात है कि लड़का आया पीछे पीछे आया और चला गया, दूसरे दिन आया फिर चला गया, तीसरे दिन फिर आप स्कूल आए फिर आपके पीछे पीछे आया फिर चला गया। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। हो सकता है आज उसकी इतनी हिम्मत हुई है और हो सकता है कल कोई बड़ी घटना कर दे। इस संबंध में आपको अपने पेरेंट्स को बताना है, पेरेंट्स के माध्यम से हमको भी जानकारी मिल जाएगी कि इस तरह की कोई घटना हो रही है हमारे यहाँ और हो सकता है कि आगे जाके कोई बड़ी घटना हो जाए। कोई भी लड़का, लड़कों के लिए भी यही विशेष है, इस तरह की घटना को कोई करते हुए देखता है, कोई लड़का किसी लड़की पे तंज मार रहा है ना, कोई उल्टी बात बोल रहा है, सीटी बजा रहा है, तो आपको देख के उसको टोकना है, आपको देख कर उसको टोकना है। क्योंकि आज जो घटना किसी दूसरी लड़की के साथ हो रही है, हो सकता है आपकी परिचित ना हो और हो सकता है कि कल वही घटना आपकी बहन के साथ हो सकता है कि नहीं। अपन को भी सजग रहना है, अगर इस तरह की घटना कहीं होती है तो अपन को टोकना है। और ये अभियान विशेषकर इसीलिए चलाया गया है कि लड़कियों की इस संबंध में जानकारी हो चुके कि ये जो छोटी छोटी घटना होती है इसके लिए भी शासन में प्रावधान है, इसके लिए भी नियम है, अगर इस तरह की घटना होती है तो इसके लिए 3 साल की सजा है। अगर आपको बार बार कोई 2-3 दिन से लगातार फॉलो कर रहा है, पीछे पीछे आ रहा है, कोई दुकान पर बैठ के आपको बार बार ताक रहा है या कोई उल्टी बात बोल रहा है, इसके लिए 3 साल की सजा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।